क्या आप भी योनो SBI एप्स का यूजर नेम भूल गए हैं? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिर से आप यूजर नेम कैसे निकाल सकते हैं योनो SBI एप्स का। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप मोबाइल फ़ोन में अगर आप निकालना चाहते हैं तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना होगा, www.onlinesbi.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप जो है सर्च कर लीजिए। फिर जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल बैंकिंग, तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, मतलब लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा फिर से। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप जो है ये छोटा सा बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉरगेट यूजर नेम, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे जो है नेक्स्ट का बटन, उसे भी आप जो है नेक्स्ट कर सकते हैं क्लिक करके। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CIF नंबर जो है आपके पासबुक में होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे है कंट्री सेलेक्ट करना है, हम इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको तीसरे स्थान पे आप देख सकते हैं INB रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो जो भी बैंक में आपका नंबर है वही आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है इस बॉक्स में देंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे जो है भर के पूरा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम CIF नंबर दे चुके हैं, उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे और आते हैं, इंडिया इंडिया, और नीचे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इंडिया कंट्री आ चुका है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही आपको देना है। तो मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे इंटर द टेक्स्ट एस शो इन द इमेज, तो आपको यहाँ पे यह कैप्चा आपको दे देना है। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा दे देते हैं इस बॉक्स में। तो कैप्चा है बड़ी में, जैसे है वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ये भी कैप्चा दे देते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये कैप्चा देने के बाद आप जो है यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप एक बार देख लीजिएगा आपको सही से आप भरे हैं कि नहीं भरे हैं। तो यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल में जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, आप वहाँ से जो है मैसेज यहाँ पे आप क्लिक करके दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे मैसेज इसको हटा के और जो है मैसेज यहाँ पे हम दे देते हैं। तो क्या है मैसेज, तो यहाँ पे OTP जो आया है वन टाइम पासवर्ड के रूप में आपको मैसेज में आया होगा, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो चलिए हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जो कि आपको यूजर नेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है यूजर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यूजर नेम देख सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड भी भूल गए हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप जाइए, चेक कर सकते हैं, आप पासवर्ड भी निकाल सकते हैं। तो हम चैनल पे वीडियो बना चुके हैं, तो अगर और कोई भी सवाल या सुझाव है आप हमें बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।
और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।